ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। वागीश के पिछले भाग में आपने जाना कैसे अज्ञानभीत का जन्म हुआ, तिलकावती का जन्म हुआ और तिलकावती और अज्ञानभीत दोनों भाई बहन पर कितना दुख का समय आन पड़ा था। फिर अज्ञानभीत ने पूर्व जन्म के पाप के कारण जैन मत को स्वीकार कर लिया था। अब इससे आगे की कथा हम जानते हैं। अज्ञानभीत या वागीश, जिन्हें तमिल में अप्पर या त्रिनवकरसर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जैन मत को स्वीकार कर लिया था। अब वो बचपन से ही बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने उन जैन के शास्त्रों का भी अध्ययन कर लिया और शीघ्र ही वो एक उपदेशक भी बन गए। उनका नाम धर्मसेन रख दिया गया और उन्हें जैनों के बाहुल्य क्षेत्र में भेज दिया गया था, जो स्थान पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर रह करके ये अज्ञानभीत, जिन्होंने अपना नाम धर्मसेन कर लिया था, वहाँ पर रह करके वो एक उपदेशक बन गए, एक आचार्य बन गए और हमेशा जैनों से घिरे रहते थे। बहुत सारे लोग उनकी सेवा में लगे रहते थे। इधर तिलकावती को जब ये बात पता चली तो बहुत दुखी हुई थी। उसने भगवान शिव के निमित्त अनेक व्रत किए और अपने भाई को वापस प्राप्त करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी। अब भगवान शिव ने तिलकावती को स्वप्न के माध्यम से दर्शन दिया और कहा कि मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, इसलिए तू शोक मत कर। जब शिव प्रसन्न हो तो किसी भी भक्त को शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान ने तिलकावती को बताते हुए कहा कि पूर्व जन्म के पाप के कारण इसने जैन मत को स्वीकार किया है। भगवान ने तिलकावती से कहा कि पूर्व जन्म में तेरा भाई सुतपा नामक एक मेरा भक्त था। यह हमेशा उपदेश दिया करता था और भगवान की भक्ति बढ़े ऐसा प्रयास किया करता था। उन्हीं दिनों शांतिमान नामक एक सन्यासी नर्मदा नदी के तट पर आया और ब्राह्मणों से पूजित होकर के वो अपने शिष्यों को वेदों का सारभूत अर्थ समझाने लग गया। इधर सुतपा ने उस सन्यासी की परीक्षा करनी चाही, इसलिए वो वहां पर गया और दोनों में तर्क वितर्क हुआ। इन्होंने सुतपा ने कहा कि आत्मा एक नहीं अनेक हैं, जबकि उन शांतिमान ने कहा कि जो आप बात कह रहे हैं ये वेदों के अनुसार नहीं है। ये बात सुनकर के सुतपा ने कहा कि वेद कौन होते हैं जिन्हें आधार रख कर के मैं ये निर्णय करूं। वेदों का जब उन्होंने ऐसे निंदा करी, वेदों का अपमान किया, तो उन शांतिमान ने उन्हें श्राप दे दिया कि तू अकेला ही वेदों की निंदा करने वालों के समूह में पैदा होगा। अब जब ये बात सुतपा ने सुनी तो उसे अपनी गलती महसूस हुई, उसने क्षमा मांगनी चाहिए और उन शांतिमान को प्रणाम करके इससे श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब शांतिमान ने कहा कि भगवान शिव की भक्ति से तुझे सद्बुद्धि आ जाएगी। अब भगवान ने कहा कि तिलकावती तू चिंता मत कर, तेरा भाई पुनः उस धर्म से निकल करके वैदिक धर्म में आ जाएगा, इसलिए तू शोक मत कर, अब मेरा सामर्थ्य देख। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब तिलकावती जागी तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई कि भगवान की तरफ से उसे आश्वासन प्राप्त हो चुका। धर्मसेन या अज्ञानभीत उस तिलकावती का भाई, जो हमेशा जैन सेवकों से घिरा रहता था, उसने एक रात को जब दूध पिया तो वो दूध उसे पचा नहीं और उसे एक भयंकर रोग हो गया। उसके पेट में हमेशा जलन रहती थी, कालग्नि और दावाग्नि के समान उसके पेट में हमेशा जलन रहती थी। इतनी गर्मी उसके पेट में बन गई कि वो कुछ भी खाता वो उसे पचता नहीं और उल्टी हो जाती थी। ना वो ठीक से लेट पाता, दर्द में हमेशा कराहता रहता था, ना उसे नींद आती थी। वो भयंकर तरीके से पीड़ा में आ गया था। बहुत सारे जैनियों ने वहाँ पर झाड़ फूंक का कार्य किया, बहुत सारी दवाएँ उपचार वगैरह किया, किंतु जिन उपायों से करोड़ों लोग ठीक हो चुके थे वो उपाय भी उस धर्मसेन या अज्ञानभीत पर कार्य नहीं कर रहे थे। अब ये देख करके सब सेवक जितने भी थे वो सब परेशान हो गए। फिर कुछ जैनी उपदेशक बाहर से आए, उन्होंने भी पूर्ण प्रयास किया किंतु कोई भी फल नहीं प्राप्त हुआ, किसी भी प्रकार का कोई परिणाम नहीं निकला, उसका दर्द बढ़ता ही गया। ये देख करके वो जैन सेवक उस अज्ञानभीत को छोड़ करके भाग गए।
अब उस स्थिति में वो बेचारा अकेला रह गया और दर्द से कराहता रहा। 2-3 दिन वो लेटा लेटा ही रोता रहा और पीड़ा में इतना पागल हो गया था कि वो मरने के लिए सोचने लग गया था। उसे आत्महत्या की बात मन में उठ गई थी। फिर उसे अचानक अपनी बहन तिलकावती की याद आई। उसने अपनी एक दासी को तिलकावती के पास भेजा। तो जब तिलकावती को इस पीड़ा का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कहा कि मैं वेदों की निंदा करने वाले के घर कभी नहीं जा सकती, यदि वो यहाँ पर आ जाए तो मैं उसे अवश्य ही बचा लूंगी। दासी वापस पहुंची और किसी भी प्रकार से उस अज्ञान भीतिया धर्मसेन को तिलकावती के पास लेकर आ। तिलकावती ने उसे देखा, उसकी ठोड़ी पर थोड़े से बाल थे और उसने चटाई जैसा एक कपड़ा लपेट रखा था। उसके एक हाथ में सूत की झाड़ू थी और एक हाथ में हांडी थी। उसका पेट फूला हुआ था। ये स्थिति देख करके वो कहीं से भी पहचानने में ही नहीं आ रहा था कि ये अज्ञान भी थे। उसकी आवाज से तिलकावती ने उसे पहचाना और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ये क्या हो गया है। तब उस अज्ञान भीतिया धर्मसेन ने कहा कि वेदों की निंदा करने वाले इन मत वालों ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया था और बिना लक्ष्य वाले मार्ग पर ले जाकर छोड़ दिया। अब मेरा रोग ठीक नहीं कर पाए इसलिए मुझे छोड़कर भाग गए। अब मैं बहुत दुख में हूँ। तू परम पवित्र है बहन, मेरी मदद कर। अपना पवित्र हाथ मेरे पेट पर रख देगी तो मैं अवश्य ही बच जाऊँगा। ये बात सुन करके तिलकावती ने कहा कि तू मेरा भाई अवश्य है, किंतु वेदों की निंदा करने वालों के चिन्ह तूने धारण कर रखे हैं और भगवान शिव की निंदा, वेदों की निंदा जो करता है उसे मैं स्पर्श करना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करती, भले ही तू मेरा भाई ही क्यों ना हो। अब इस तरह से जब तिलकावती ने सहायता करने से मना कर दिया तो अज्ञान भीतिया वो धर्मसेन फूट फूट कर रोने लग गया, बचाओ बचाओ करके कहने लग। तिलकावती ने जब उसका विषाद सुना, उसका रोना सुना और कराहना सुना तो उसे दया आ गई। उसने कहा यदि तू बचना ही चाहता है तो जैनों के सारे चिन्ह छोड़ दे और पवित्र तारक्ष्य नदी में स्नान कर और फिर पवित्र होकर के नए वस्त्र धारण कर, भस्म रुद्राक्ष धारण कर। उस धर्मसेन ने अज्ञान भीत ने वैसा ही किया। उसने पवित्र नदी में स्नान किया और अपनी बहन के दिए हुए वो पवित्र वस्त्र पहने। फिर तिलकावती उसे अपने गुरु के पास मंदिर में ले गई, वीराटेश्वर मंदिर में उसे लेकर गई। तिलकावती के गुरु ने उसे भस्म दी और उसे पंचाक्षरी का उपदेश दिया, यानी नमः शिवाय मंत्र का उपदेश दिया। जब उसे उनके गुरु ने भस्म उसके शरीर पर लेपन की तो जो उसका पेट का रोग था वो एक कौवा बन करके उसके पेट से बाहर निकला और हवा में उड़ गया। ये देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे और उसका सारा दर्द गायब हो चुका था। वो रोग कौवे का रूप लेकर के उड़ गया था और इस चमत्कार को देख करके वहाँ के लोग बहुत हैरान थे। महादेव ही एकमात्र औषधि हैं, महादेव ही एकमात्र लक्ष्य हैं और महादेव ही मार्ग है, महादेव ही मंजिल है, सब कुछ महादेव ही है। ये बात उन वागीस ने, उन अज्ञान भीत ने, अपर ने ये बात स्वीकार कर ली थी और वो पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के वैदिक मार्ग पर चलने लग गया और भगवान शिव की शरण में हमेशा रहने लग गया। भगवान शिव ही एकमात्र उसके जीवन का लक्ष्य है, ऐसा निर्णय करके वो शिव भक्ति में लीन हो गया। वो हमेशा भस्म रुद्राक्ष धारण करता, पंचाक्षरी का जप करता और अपनी बहन तिलकावती के साथ भगवान शिव की पूजा करने लग गया था। 7 महीने बीत गए, फिर एक पल्लव नामक मलेच्छ तुल्य मलेच्छ जैसे राजा ने उस देश पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। उस रात को वो अज्ञान भीत भगवान महेश्वर के लिए स्तुति गाने को उत्सुक था। भगवान शिव की कृपा से सरस्वती, साक्षात सरस्वती उस अज्ञान भीत की जीवा पर जाकर बैठ गई। तभी से उसे सब प्रकार का ज्ञान हो गया और भाषा का तो वो जैसे मालिक ही बन गया था। अब अज्ञान भीत ने भगवान शिव के लिए क्या स्तुति प्रस्तुत की वो हम इससे अगले भाग में जानेंगे, कैसे उसने वागीस की उपाधि प्राप्त की। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।